हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद मजबूत टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। क्या आज पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका वर्णन जो दिया गया है, इसका वर्णन संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 किया गया है। तो इसका वर्णन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे कहां से लिया गया? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना समाज की भलाई के लिए, इसका उद्देश्य यह है। सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत क्या क्या है, तो जो जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बात करेंगे, समान न्याय और निःशुल्क सहायता धन का समान वितरण, नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट बनाना, सभी नागरिकों के लिए एक समान राइट बनेगा, ग्राम पंचायत का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सब क्या है इसका सिद्धांत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों का वर्णन, पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की रक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये सब क्या है इसका सिद्धांत है। अब इसमें जो जो आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है अनुच्छेद 40, जिसे आर्टिकल 40 कहते हैं। अनुच्छेद 40 का अगर बात करें तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का संगठन दिया गया है आपके अनुच्छेद 40 में। अब इस संगठन को हम लोग गांधीवादी सिद्धांत भी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा ग्राम पंचायत संगठन को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बोलिए गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है इस संगठन को, गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में आता है। अब बात करें आर्टिकल 48 का, तो पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की रक्षा किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 48 के तहत आता है। अगला है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, क्या है अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा होता है। ये चार जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अगर बात करेंगे अनुच्छेद 51 का, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आएगा, जो मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं सभी मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वैसे ये जो है क्वेश्चन, इसे कहां से संविधान, इसे कहां, किस देश की संविधान से लिया गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये था आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको बताया, और इसी के अंदर से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सेलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करिए, लाइक बटन दबाइए, कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।